रूसी सदर प्योटन, हम जानते हैं कि जुर्म किसने किया, अब हम जानना चाहते हैं कि उसका हुक्म किसने दिया था। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी का कहना है कि मास्को दहशत गर्दाना हमले के पीछे अमेरिका, बर्तानिया और यूक्रेन का हाथ है। रूस के शहर मास्को में होने वाले दहशत गर्दाना हमले के दौरान 100 अफराद की जान बचाने वाले इस्लाम नामी 15 साला मुसलमान लड़के को हकीकी हीरो का अवार्ड मिला। इस्लाम नामी एक 15 साला मुसलमान लड़का जिसने मास्को में हमले के दौरान 100 से जायद लोगों को बचाया। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने रिदामल जाहिर नहीं किया तो बहुत से लोग अपनी जानें गंवा देंगे। मैं वक्त पर दरवाजा खोलने और सबको बाहर निकालने में कामयाब हो गया। एल सल्वाडोर के सदर नाइब बोकेल ने सरकारी तौर पर तमाम सरकारी स्कूलों में सनफी नजरिया पर पाबंदी लगा दी। कोलंबिया के सदर गिस्टाव पेट्रो, अगर इसराइल ने जंगबंदी के फैसले पर अमल नहीं किया तो हम तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे। रूस ने गजा के लिए 26 टन इंसानी अमदाद भेजी। फिलिस्तीनी इस्लामी जहाद के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अलहंदी, इन मुजाकिरात में सालिस का कोई किरदार नहीं है जो अमरीकी इंतजामिया और इसराइल की हुकूमत के दरमियान है। सलामती कौंसिल की करारदाद इस तन्हाई की एकासी करती है जिसका इसराइल पूरी दुनिया में सामना कर रहा है, लेकिन उसकी एकासी किसी अमली इकदाम में नहीं होगी। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत की तरजीह जंग जारी रखना है, कैदियों की बाजियाबी नहीं। इसराइली कैदियों का कार्ड मुजाहमत के हाथों में जीतने वाला कार्ड है और इसराइल इन्हें कम कीमत पर बाजियाब करना चाहता है। मुजाहमत ठीक है और मैदान जंग में मुस्तहकुम है, इसके बावजूद जो इसराइल की तरफ से फरोग दिया जा रहा है। लिबनान और बुहैरा अहमर में हमायती महाज अहम हैं और जारहीत को रोकने के लिए संजीदा हल पर बात करने के लिए अमरीका पर दबाव डालने का एक तरीका है। कब्जा अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और किसी भी कातलाना कार्रवाई से जमीनी मसावात नहीं बदलेगी। अमेरिका समझता है कि इसराइल को एक तहरीरी यकीन दहानी के बाद कौमी सलामती की याददाश्त की तामील कर रहा है कि वो अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल बीन लाक्वामी कानून के मुताबिक कर रहा है और गजा में इंसानी अमदाद को रोक नहीं रहा है। सख्त बयानबाजी के बावजूद तुर्की इसराइल तजारत बरकरार है। अगरचे अर्दगान ने गजा पर जंग के लिए नेतन्याहू का हटलर से मुवाजना किया है, लेकिन तुर्क सदर से मनसलक कंपनियां इसराइल के साथ तजारत जारी रखे हुए हैं। तुर्क सदर रजब तीब अर्दगान की जानिब से गजा में नस्ल कशी की महम पर वजीर आजम बंजमन नेतन्याहू की शदीद अवामी मजम्मत के बावजूद तुर्की ने इसराइल के साथ अपनी मजबूत तजारत 2024 में जारी रखी है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने रिपोर्ट किया कि जनवरी के महीने में तुर्की ने इसराइल को तकरीबन 319 मिलियन डॉलर का सामान बरामद किया। तुर्की के शमारियाती उदारे के गैर मल्की तजारत के आदाद और शमार के डेटा 20 के मुताबिक इसराइल को बरामद की जाने वाली अशिया में कीमती धातें, केमिकल्स, कीड़े मार अद्वियात, जौहरी रिएक्टर के पर्जे, बारूद, धमाका खीज मवाद, हवाई जहाज के पर्जे और हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। अलमनिटर ने इतला दी है कि अर्दगान ने जमारात को एक इंतखाबी रैली में एक हुजूम से कहा, मैं नेतन्याहू नामी शख्स को रब के हाथ में छोड़ रहा हूं। उसने फिर मजीद कहा, खुदावंद उस पर लांत करे। अर्दगान उससे कबल नेतन्याहू का मुवाजना एडोल्फ हटलर से कर चुके हैं। अर्दगान की सख्त बयानबाजी के बावजूद रोजनामा करार ने जमा को रिपोर्ट किया कि इसराइल के साथ तुर्की की
तिजारती सरगर्मियां बुनियादी तौर पर आजाद सनातकारों और ताजरों की एसोसी एशन म्यूस यार्ड से वाबिस्ता कंपनियां चलाती हैं, जो तर्क सूद्र की हमायत के लिए मशहूर है। करार की रिपोर्ट में ऐसी कंपनियों का हवाला दिया गया है जो इसराइल को बरामद करना जारी रखे हुए हैं, जैसे एवियाप होल्डिंग, ICDIS, पमुकाले काबलो, एरन होल्डिंग और तोसियाली। इसमें शामिल शाबों में टेक्सटाइल, तवानाई, तामीराती मवाद और दिफा से मुतालका मसनुवात शामिल हैं। अर्दगान को इसराइल के साथ तिजारती तालकात मुनकता करने में नाकामी पर तनकीद का सामना करना शुरू हो गया है, बशमूल उनकी हकमरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP के इतिहादियों की तरफ से। अलमनीटर ने मजीद कहा कि जमा के रोज न्यू वेलफेयर पार्टी के रहनमा फतेह अरबकान ने कहा, वो हमें बता रहे हैं कि हम न्यू वेलफेयर पार्टी की वजह से हार रहे हैं। ये हम नहीं हैं जो आपको खो रहे हैं, ये आप हैं जो इसराइल के साथ तजारत जारी रखे हुए हैं। एक तर्क शहरी ग्रुप मुजलमदर ने उस माह के शुरू में इसराइल के साथ तजारत करने वाले तुर्क ताजरों के खिलाफ मुजरमाना शिकायत दर्ज कराई थी। तुर्की ने अक्टूबर और दिसंबर 2023 के दरमियान इसराइल को $1.1 बिलियन मालियत का सामान बरामद किया। गजा जंग के बावजूद ये पिछले साल की उसी मुदत के मुकाबले में सिर्फ मामूली कमी थी। 2014 में अर्दगान और उनके खानदान से मुंसलिक कारोबारी इदारों ने आइसिस और इराक के कर्दों के जरिया तैयार करदा तील इसराइल को बरामद करने में अहम करदार अदा किया। 2015 तक इसराइल अपने तेल का 77% इराक के कुर्दिस्तान इलाके से हासिल कर रहा था। ये बरामदात इस वक्त हुए जब तुर्की और इसराइल के दरमियान मबीना तौर पर खराब ताल्लुकात थे। हमास के सरबराह गजा के मैदानी तरक्याती मुजाकिरात के लिए ईरान में हैं। ईरान गुज़श्ता 6 माह से अपनी सफारती ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजा में जंग बंदी और इंसानी अमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया 26 मार्च को ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और देगर आली ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए ईरान पहुंचे थे। सियासी तज्जियाकार आज की मुलाकात को अहम अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हनिया का दौरा अक्वाम मुतहदा की सलामती कौंसिल UNSC की जानिब से रमजान के अख्तिताम तक आर्जी जंग बंदी की किरारदाद की मंजूरी के एक दिन बाद आया है। इस्लामी जमहूरिया न्यूज एजेंसी IRNA ने रिपोर्ट किया है कि गजा की जंग की ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना और गजा की पट्टी और मगरबी किनारे के अवाम के खिलाफ सिहूनी हुकूमत की जारी जारहियत इस सफर के अहम तरीन एजेंडों में शामिल है। दोनों फरीकों के हिकाम के दरमियान बातचीत। एक बयान में हनिया के तेहरान के दौरे का ऐलान करते हुए हमास ने कहा कि तहरीक के सरबराह और उनका वफद गजा पर जारी जंग से मुतालिक सियासी और मैदानी पेशरफत के बारे में ईरानी क़यादत के साथ सिलसिलावार मुलाकातें और बातचीत करेंगे। फिलिस्तीनी काज से मुतालिक मुतगैरा। फिलिस्तीनी मुजाहमत और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता 6 माह से जारी जंग के दौरान ईरान ने अपनी सफारती ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंग को रोकने और गजा में इंसानी अमदाद की इजाज़त देने की कोशिश की है। हानिया और अमीर अब्दुल्लाहियान ने मार्च के अवाइल में एक फोन कॉल किया, जिसमें हमास के सरबराह ने फिलिस्तीनी मजाहमती जंगजुओं के जज्बे और ताकत के बारे में जंगी मुशियन का मुकाबला करने और सहयूनी दुश्मन के कत्ल आम के बारे में बहुत ज्यादा बात की। हनिया ने गजा के शमाल में इंसानी हमदर्दी की सूरतहाल के बारे में भी बात की और उसे नाजिक और गजा के बाशंदुओं को इंसानी अमदाद भेजने के लिए बीन इलाक़वामी बरादरी की तरफ से फौरी इकदाम की जरूरत के तौर पर जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि किस तरह इसराइल कैट और फाका किसी को गजा के शहरियों बलखसूस बच्चों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अपनी तरफ से अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ये बात दुनिया के लिए काबिल फहम है कि नेतन्याहू लाइन के आखिर तक पहुंच चुके हैं और सिर्फ अपनी बका के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अक्टूबर में जंग के आगाज के बाद हमास के दोहा में मुकीम रहनमा का ये दूसरा दौरा ईरान होगा। यमनी मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि उसने हमले किए हैं। 72 घंटों में ड्रोन्स और मिसाइलों से फौजी ऑपरेशन। हदफ खलीज अदन में कंटेनर जहाज एरस्क सारातोगा बुहेरा अहमर में। कंटेनर जहाज APL डिट्रॉइट बुहेरा अहमर में खाम तेल का टैंकर ह्यू एंग प्यू बल्क कीरियर परिटी लीडी
सब इसराइल की तरफ रवाना हुए। बहरे अहमर में दो अमरीकी तबाह कुन जहाज, एलात में मुतादिद इसराइली अहदाफ, उमर राश। हिजबुल्लाह ने जनूबी लुबनान में इसराइल के कत्ल आम के बाद करियात शमूना पर राकटों से बमबारी की, जिसमें कल रात 7 तबीब हलाक हुए। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करियात शमूना में होने वाले नुकसान का तखमीना दसियों मिलीन है। तुम्हें खबरें उर्दू में इसी तरह से वीडियो बनाते रहने के लिए हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देखते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का फिर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।